क्यों हम इंडिया को एक महान कंट्री बोलने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में इंडिया फिर से महान कंट्रियों के अंदर अपना नाम शामिल करना चाहता है, उसके पीछे की वजह जो है वो कुछ ऐसी है। क्योंकि हमें इंडिया के बारे में जब जाना तब हमें पता चला कि इंडिया का जो पास्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है, जो हम सब लोगों ने अपना इतिहास देखा हुआ है, सब लोगों को पता है। यस या नो? उसके बाद अगर मैं पास्ट के अंदर बात करूं तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा समृद्ध अगर कोई देश था तो वो इंडिया था, भारत। सही बात है। उसके बाद उसका पास्ट को जैसा बताता है कि वहां वो ग्रेट होने की वजह ये थी, उस टाइम पर कुछ लीडर लोग थे, कुछ महान राजा हो गए थे और जिन राजा ने इंडिया को जो है वो महान बनाया था। उसके बाद अगर बात करूं उस पास्ट के बारे में तो वहां पर हमने सबसे पहला मार्केट का स्ट्रक्चर अगर बनाने की अगर बारी आई तो वो इंडिया के अंदर बना था और वो पूरा सिविलियन स्ट्रक्चर जो बना था। लेकिन मूवी के अंदर क्या बताया जा रहा था या क्या बताना चाहते थे वो आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले बिजनेस करने की शुरुआत और बिजनेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम इंडिया के अंदर हुआ था और इस तरीका से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था जहां पर कोई भी व्यापार जो होता था उसका आपले किया जाता था। तो ये स्ट्रक्चर यहां से बना। उसके बाद आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं खुद जीरो हूं और मेरी जिंदगी भी जीरो ही है। जीरो की एक खासियत है अगर आप लोगों को बताऊं, गलत जगह पर अगर वो लग जाए तो जिंदगी खत्म। जैसे आप सब लोगों ने वो एड देखी होगी, 1 करोड़ का चेक होता है, उसको अपने बेटे से लेना होता है तो उसके पापा के पास 2-3 जीरो और बढ़ाता है मरने से पहले, और जैसे ही वो जीरो बढ़ा देता है ऊपर से पानी गिरता है और वो सीधा 1 के ऊपर गिर जाता है और आगे का 1 निकल जाता है। तो जीरो जो है वो बहुत अपने अंदर एक बड़ी चीज होती है, जो सही जगह पर अगर लग दिया जाए तो वहां से बहुत अच्छा अचीवमेंट कहलाता है। हमारे वहां सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए पूरे वर्ल्ड से महान लोग आते थे और उन लोगों को वहां पर नॉलेज दिया जाता था। और आप लोगों को अगर पता हो, तक्षशिला जो है और नालंदा जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस टाइम के अंदर। उसके बाद अगर कुछ पास के अंदर अगर बात करूं तो संस्कृत जो है वो सभी लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज है, मतलब आज पूरी दुनिया में कोई भी लैंग्वेज अगर पैदा हुई है तो उसकी जो मातृभाषा अगर बोल दिया जाए तो वो संस्कृत है, और संस्कृत से ही सारी लैंग्वेज निकली हुई है। ये पास था हमारा जो हमारे वहां रहता था। हमने इनोवेशन किया था चेस का, कितने लोगों को चेस खेलना आता है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। नहीं आता है वो लोग सीखिए, क्योंकि ये माइंड गेम है, यहाँ से आपके माइंड का एक्सरसाइज होता है, तो वो आप लोगों को होना ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिया ने इनोट किया हुआ था। उसके बाद हमने स्विच बटन प्लान किया था, रेडियोस हमने वायरलेस प्लान किए थे, प्लास्टिक का निर्माण हमने किया हुआ था, वाटर जो मून के ऊपर है वो हमने देखा था, शैम्पू से हम अपने बाल धो सकते हैं तो वैसा शैम्पू बनाने का काम भी इंडिया के अंदर पहली बार हुआ था। तो ये सारे इनोवेशन अगर इंडिया के अंदर हुए हैं, उसी के साथ इंडिया के अंदर जो टेंपल की अगर मैं बात करूं तो बहुत इतने विशेष टेंपल इंडिया के अंदर बने हुए हैं, जिसकी पूरी रचना जो अगर बोली जाए तो वो रचना को समझने के लिए, देखने के लिए विज्ञान की जरूरत पड़ती है। उस तरीके के टेंपल हमारे वहां बने हुए हैं तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद अगर इंडिया के अंदर बात करूं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी वीडियो के माध्यम से देखी, और वीडियो के अंदर हमने देखा कि इंडिया का जो पास्ट था वो बहुत ब्राइट था, उसी के साथ इंडिया की प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट के अंदर कुछ चीज़ें यहां पर बताई गई है कि वर्ल्ड के अंदर टॉप के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी इंजीनियरिंग है, वो सारे के सारे इंडियन हैं। जो टॉप के लेवल की अगर बात आती है तो वो आज के तारीख में इंडिया का यंगेस्ट कंट्री अगर देखे जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर तो वो इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एवरेज एज अगर सब लोगों की निकाली जाए तो 30 से लेके 35 के बीच में आती है एवरेज एज सब लोगों की। उसके बाद इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट
कंट्री है जहाँ की मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंग्लिश यहाँ पर बोली जाती है। और कुछ लोगों को बोला जाता है कि भाई इंग्लिश आपको आती है, तो अगला बोलता है यस, तो बोलो इंग्लिश, तो अगला क्या बोलता है, इंग्लिश। कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि इंग्लिश का मतलब इतना ही बोलना होता है, ऐसा नहीं। उसके बाद अगर लीडरों की अगर बात करूं तो BPO एंड IT सेक्टर अगर पूरा हमने क्रिएट किया हुआ है, वो पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री लीव जो रहती है वो इंडिया के अंदर है। थर्ड लार्जेस्ट आर्मी जो है वो इंडिया के पास है। उसके बाद लीडर जो है वो टेक्सटाइल के अंदर हम बने हुए हैं, डायमंड के अंदर हम लीडर बने हुए हैं। हमारे इंडिया के अंदर सबसे बिगेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीके के आर्मी के जो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स को बनाने का काम हमारे वहाँ होता है। और सबसे ज़्यादा अलग अलग तरीके से अगर देखे जाए, जो टेम्पल की मैंने बात की, वो हमारे यहाँ बने हुए हैं। मेला बनता है, जिस मेले के अंदर हर 12 साल के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा उस मेले का नाम क्या है, कुंभ का मेला। जिसको अगर हम ऊपर जो सैटेलाइट जाता है वहां से भी अगर देखा जाए तो वो दिखता है, उतने बड़े पैमाने पे होता है और इतने बड़े लोगों का मैनेजमेंट किया जाता है इस मेले के अंदर। उसके बाद अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर एक ऐसी स्कूल है जिस स्कूल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिस स्कूल में पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं वो 44,000 बच्चे हैं, और ये लखनऊ के अंदर है, जहां पर एक साथ 44,000 बच्चे एक ही जगह एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इतनी बड़ी स्कूल इंडिया के अंदर है।